हेलो बच्चों, देखो बच्चों, अपने पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या स्टार्ट किया था, अपना इनइक्वालिटीज, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या था? इनइक्वालिटीज, जिसके अंदर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? ब्रैकेट के यूज, ठीक है। अब तुमने देखो ब्रैकेट का यूज तो सीख लिया, मैंने तुम्हें यह भी बता दिया कि ये आगे 12th में तुम्हारा 11th में कई जगह पे यूज होता है, ठीक है। अब कहोगे सर मैंने तो आज तक कभी 10th में देखा ही नहीं था, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आइडिया आएगा कि देखा नहीं था। तो देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि तुम्हारे 10th में किस जगह पे छोड़ा जाता है और किस जगह से इसका यूज हम लोग करते हैं। देखना, छोटा सा यूज है बिल्कुल। देखो बच्चों, अगर तुम लोगों को याद हो तो तुम लोगों के सामने ऐसे करके क्वेश्चन दिए जाते थे और इसमें तुम लोग के सामने बोला जाता था ना कि इसमें के की वैल्यू निकालो जब इसके इक्वल रूट होंगे, या फिर क्या बोलते थे, दो रियल रूट होंगे, या फिर क्या बोल देते थे कि रूट रियल नहीं होंगे, याद है ना। तो उस केस में हम लोग क्या निकालते थे, इसका डी निकालते थे, याद है ना। देखो डी में ये भी केस आता था, ये भी केस आता था, तुम लोग को याद होगा, ठीक है। तो देखो अपने आप ये कौन सा केस आ गया, ग्रेटर देन वाला। 10th में तुम्हें सिखाया नहीं गया, देखो मैं भी तुम्हें आइडिया बता रहा हूं कि कैसे यूज होता है। 10th में यहां पे लिया वैल्यू, तुमने क्या की, निकाली इसकी, डी स्क्वायर माइनस 4ac होता था ना। अब ऐसे करके छोड़ देते या फिर हम लोग क्या बोल सकते थे, यहां पे ये ऐसे करके रख देते। अब जो इसके आगे तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, जो इसके आगे सॉल्व करना है, ये किसका हिस्सा होता है, इनइक्वालिटीज का। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इनइक्वालिटी एज सच तुम्हें नहीं दिखेगा, पर ये क्वेश्चनों के बीच में आता है, ठीक है। अब जैसे तुम्हें यहां तक आ गया, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये सब अपना हो गया। लेकिन अब इसे सॉल्व करना है तो हम लोग को क्या आना चाहिए, इनइक्वालिटीज। अब अगर इनइक्वालिटीज नहीं आएगी तो इसके आगे तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक चैप्टर तो देखो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया, ये तुमने 10th में पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एक चैप्टर ये हो गया, दूसरा एक और आएगा 12th का। 12th में तुम लोगों के भी एक आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, मतलब बढ़ता हुआ और घटता हुआ ऐसे करके आता है। उसमें उसके अंदर भी आंसर कैसे होते हैं हमारे सामने, इनइक्वालिटीज का यूज होता है। ये वो चैप्टर है जो तुम लोगों को 11th और 12th में मिलेंगे और मेंस में 110% आते हैं, मतलब ऐसा आज तक हुआ नहीं है। इसके भी कम से कम एक से दो क्वेश्चन तो मिनिमम है, मिनिमम एक है, मैक्सिमम दो है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी आता है, मिनिमम एक है, बाकी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो देखो दो चैप्टर तो ये हो गए, मतलब कितने नंबर का हो गया तुम्हारे सामने, 8 नंबर का। लेकिन इनमें किसका यूज है, इनइक्वालिटीज का। अब अगर तुम्हें इनइक्वालिटीज आती नहीं है फिर तुम्हें क्या पड़ जाएगी, प्रॉब्लम, तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, आंसर नहीं पता है। ऐसे ही एक फंक्शन है चैप्टर, ठीक है, अब ये तुमको नहीं पता है, आगे आओगे धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा। एक फंक्शन चैप्टर है, उसमें निकालना हम लोग को आता है, ठीक है। फिर अभी तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, देखा वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सब पढ़ कर आया ना, उस चैप्टर में इसका यूज है। तो ऐसे ही करके बहुत सारे चैप्टर है जिसके अंदर इसका यूज आता है, ठीक है। एक मैंने तुम्हें एग्जांपल ये इसलिए दिया क्योंकि ये इससे तुम लोग बहुत फैमिलियर हो, ठीक है, इस चैप्टर से तुम लोग फैमिलियर हो क्योंकि 10th में रिसेंटली में तुम लोगों ने ये पढ़ा होता है, इसलिए तुम लोग को पता होता है। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इनइक्वालिटीज का, ठीक है। तो चलो हम लोग वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं और याद रखना मेंस में कम से कम नहीं तो ये 12 नंबर के आसपास तुम्हें मिलेगा, कम से कम। कितना नंबर के आसपास है, 12 नंबर के आसपास के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है अपना भाई, बेसिक मैथ है जो 10th और 11th के बीच में खड़ी है, ठीक है। 11th के कई चैप्टर में तुम्हें इसका यूज मिलेगा और कहीं पे भी लग जाता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन चैप्टरों का मैंने नाम लिया केवल उन्हीं में आए, इसके अलावा भी है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर रहता है, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में इसको सीख रहे हैं, ओके। तो चलो इनइक्वालिटीज को हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम लोग क्या सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अभी तक मैंने तुम्हें ब्रैकेट का यूज सिखाया है, अब मैं पहले तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ, मीनिंग बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। पहले क्या पता होना चाहिए कि सर इतना सिखाया है, थ्योरी मैथ में अच्छी नहीं लगती है, अच्छे क्या लगते हैं हम लोगों को, क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं जिसमें हमारे सामने कम से कम दो ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। कितने ब्रैकेट होंगे, कम से कम दो ब्रैकेट। अब कहोगे सर ये दो ब्रैकेट का मतलब क्या है, तो देखो यहां पे मान लो क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, आएगा ऐसे करके, ठीक है।
कैसे आएगा वो बाद की बात है, वो बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं क्या सिखा रहा हूं कि अगर ये आया तो तुम सॉल्व कैसे करोगे। पहले देखो मैं पूरा तरीका सिखाऊंगा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें कुछ चीजों के शॉर्टकट बता दूंगा कि ये आएगा तो एक लाइन में तुम्हें आंसर लिखना है, ठीक है। बाद में क्या बता दूंगा मैं शॉर्टकट, लेकिन पहले पूरा तरीका सीख लो। एक क्वेश्चन में अगर तुम तरीका सीख गए तो पूरे इनइक्वालिटीज का पूरा, भले ही दो ब्रैकेट लगे हो, दस ब्रैकेट लगे हो, ठीक है, कितने भी ब्रैकेट लगा लो, अगर तुम पहले क्वेश्चन में तरीका सीख गए तो सारे क्वेश्चन में तरीका क्या होता है, बिल्कुल सेम। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, ये जो लिखा है अपने सामने, ये क्या लिखा है, ग्रेटर देन जीरो। क्या लिखा है, ये ग्रेटर देन जीरो। देखो बच्चों अगर तुम लोग देखो, जीरो से जो बड़ा नंबर होता है, जीरो से जो बड़ा नंबर होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव नंबर। और जो जीरो से छोटा नंबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर, ठीक है। जीरो से जो बड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर, और जीरो से जो छोटा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर, ठीक है। इस बात को याद रखना कि जीरो से जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन जीरो का मतलब किससे होता है, प्लस से, लेस देन जीरो का मतलब किससे होता है, माइनस से, बराबर है। तो एक चीज याद रखना पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ये काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। कब आएगा, बाद की बात है, काम आएगा, इतना याद रखना। ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है, लेस देन जीरो नेगेटिव है, ठीक है। देखो इनइक्वालिटी का पहला रूल क्या है, इनइक्वालिटी का पहला रूल, ये जो साइड है ना, इस साइड में हमेशा जीरो होता है, ठीक है। इस साइड में ऑलवेज क्या होता है बेटा, जीरो होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अगर कोई नंबर यहां पर होगा तो अपन लोग इसको इधर भेजेंगे, ठीक है, वो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले मैंने बना के रखा है छोटा क्वेश्चन जिसमें इस साइड में क्या है, जीरो है। दूसरा, एक्स के बगल में माइनस नहीं होना चाहिए, अभी एक्स के बगल में क्या होना चाहिए तुम्हारे सामने, प्लस। माइनस आएगा तो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। दो रूल याद रखना, पहला इधर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इधर जो नंबर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो। दूसरा, एक्स के बगल में माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब यहां पे, इस जगह पे, जैसे यहां पे क्या होना चाहिए, हमेशा प्लस होना चाहिए, इधर भी प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये क्वेश्चन आया, सबसे पहले जो ये लिखा है इसको जीरो के बराबर करेंगे, दोनों को, एक को नहीं दोनों को, इसे भी जीरो के बराबर करेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, वन, यहां से कितनी मिल गई, टू, ठीक है। इससे मिल गई एक्स की वैल्यू वन, और इससे क्या मिल गई बेटा, एक्स की वैल्यू टू, ठीक। पहला स्टेप जीरो के बराबर करना है। अब अगर तुम अपने मन में भी कर सकते हो, इसको जीरो के बराबर करेंगे वन आएगा, इसको जीरो के बराबर करेंगे टू आएगा, ठीक है। फिर क्या ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन। नंबर लाइन में मैंने क्या बोला था, छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो देखो यहां पे दो नंबर आए हैं, एक आया है वन, एक आया है टू, तो छोटे से बड़े, तो छोटा ये हो गया, बड़ा ये हो गया। और नंबर कौन से लिखने होते हैं यहां पे, जो ये निकल कर आएंगे, ठीक है। अपने पास से कुछ नहीं डालना, अपने पास से कुछ नहीं डालना है, क्या करना है, जो नंबर निकल कर आएगा वो यहां पे लिख देंगे। पहला स्टेप क्या था, जीरो के बराबर करेंगे, फिर जो नंबर आएंगे उनको कहां डाल देंगे, नंबर लाइन के ऊपर। तो देखो नंबर लाइन के ऊपर मैंने डाल दिया वन और टू, ठीक है। लास्ट नंबर इंफिनिटी होता है, ये वाला माइनस इंफिनिटी होता है, ठीक है। ये वाला क्या होता है, इंफिनिटी, और ये वाला माइनस इंफिनिटी, बताया था मैंने तुमको, याद है ना, पिछले वाले में आर के मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने ये बना दिया, अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, दो दो को, दो नंबरों को ज्वाइन करते हुए सर्कल बनाएंगे। क्या करेंगे, दो नंबरों को ज्वाइन करते हुए सर्कल बनाएंगे। जैसे देखो मैंने सर्कल बना दिया, एक दो दो, ठीक है। अब बिल्कुल लास्ट वाले पे आना, इधर वाले पे ऑलवेज प्लस होता है, ठीक है। यहां पे हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब यहां पे प्लस होगा, इसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक एक करके। अब अगर ये प्लस है तो अगला वाला क्या लगाएंगे, माइनस, फिर यहां पे क्या लगा देंगे, प्लस, ठीक है। हमेशा यहां पे कितने भी ब्रैकेट हो, ठीक है, ब्रैकेट से मुझे मतलब नहीं है, इसमें हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस, फिर क्या लगाते चले जाएंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, पहला स्टेप मैंने क्या बोला, जीरो के बराबर कर देना, फिर नंबर लाइन पे ड्रॉ सर्कल, पहला प्लस, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया।
अब बारी आएगी आंसर की। अब किसकी बारी है? आंसर की। देखो बेटा, मैंने बोला था इसको याद रखना। अब ये क्या लिखा था अपने पास? ग्रेटर देन जीरो। तो देखो ग्रेटर देन जीरो को इससे मैच करवाते हैं। ये लिखा है ये क्या लिखा है? प्लस। दिख रहा है ना? प्लस दिख रहा है। तो देखो यहां पे भी हम लोग को प्लस दिख रहा है, तो जहां जहां प्लस लिखा है वही मेरा आंसर है। ठीक है, क्या होता है अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, तो देखो ये ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है ना, यहां देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ये देखो दिख रहा है। अब अगर ये दिख रहा है तो देखो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? प्लस वाला आंसर। तो जहां जहां यहां पे प्लस लिखा है वही मेरा आंसर है। ठीक है, तो देखो पहला प्लस कहां लिखा है, देखो ध्यान से, पहला प्लस ये लिखा है हम लोग के सामने, तो पहला आंसर क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी से वन। दूसरा प्लस ये लिखा है, दिख रहा है? देखो दूसरा प्लस ये एरिया पे लिखा है, ये वाले पे, देखो ये वाले पे लिखा है ना। तो देखो ये दो हो गया तुम्हारे पास, तो आंसर क्या हो गया? जहां जहां प्लस था, पहला प्लस ये वाले पे था, देखो क्लियर दिख रहा है, माइनस इनफिनिटी से वन, इस सर्कल में था तो एक आंसर हो गया, इस सर्कल में था तो दूसरा आंसर हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब बारी क्या होती है, क्या बताया था मैंने, याद है ना, लास्ट लेक्चर में बताया था आंसर किस में आएंगे? ब्रैकेट में। तो देखो रट्टा मार लो बिल्कुल, अगर ये ग्रेटर देन लगाए, ये वाला सिंबल लगाए, तो सभी के ऊपर ये वाला ब्रैकेट लगेगा। अगर ये लगा है तो आंखें बंद करके मेरे ऊपर भरोसा रखो, क्या लगा देना है? सीधे सीधे ये वाला ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। क्या करना होता है, अगर ये वाला लगा है तो कौन सा ब्रैकेट मार देंगे? ये वाला मार देंगे। ठीक है, अब दो ब्रैकेट को जोड़ना है। क्या करना है बेटा? दो ब्रैकेट को जोड़ना है। तो दो ब्रैकेट को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनियन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? यूनियन होता है। ठीक है, अब अभी के लिए याद कर लो कि दो ब्रैकेट को जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? इसका। मैं बाद में तुम्हें सिखा दूंगा, अभी क्या याद रखना है, अगर हमें दो ब्रैकेट के बीच में जोड़ना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? इस यू का। ठीक है, यू टाइप होता है, क्या होता है इसका मीनिंग, मैं बाद में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग इनइक्वालिटी सीखते हैं ताकि हम लोग को बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, मैं इसका मीनिंग तुम्हें बाद में सिखा दूंगा। ठीक है, बहुत सरल सी बात है, छोटी बच्चों वाली बात है ये। ठीक है, बस क्या याद रखना है, दो ब्रैकेट को अगर अपन लोगों को जोड़ना है तो हम लोग क्या यूज करने वाले? यूनियन यूज करने वाले। ठीक है, अब कहोगे सर ये तो याद करने में बड़ी तकलीफ हुई। ठीक, तो देखो अब जो मैं बोल रहा हूं उसे याद कर लो। पहला स्टेप क्या है, जितने ब्रैकेट होंगे जीरो के बराबर करोगे। पहला स्टेप, जितने ब्रैकेट होंगे जीरो के बराबर करोगे। दूसरा, नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, तीसरा, लास्ट वाले पे प्लस, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस। चौथा, इसको देखना है, अगर ये ग्रेटर है तो प्लस वाला आंसर है, लेस देन है, लेस देन है ये वाला सिंबल है। ग्रेटर देन मतलब ये वाला, लेस देन मतलब ये वाला। अगर ये वाला लगा है तो प्लस वाला आंसर है, ये वाला लगा है तो माइनस वाला आंसर है। कितने स्टेप याद करने हैं? चार। पहला क्या था? सारे ब्रैकेट जीरो के बराबर करेंगे। दूसरा, नंबर लाइन पे बनाएंगे। तीसरा, लास्ट वाले में प्लस, फिर प्लस माइनस लगाते चले जाएंगे। ठीक है, चौथा, अगर ग्रेटर देन है तो प्लस, लेस देन है तो माइनस। चार स्टेप याद कर लो, पूरी की पूरी इनइक्वालिटी तुम्हें एक बार में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और डजंट मैटर कितने ब्रैकेट लगे। ठीक है, मुझे ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये कितने ब्रैकेट यहां पे लिखे, जैसे ये लिखे ना, कितने भी लगा लो, यही चार स्टेप है, इन्हीं से तुम्हारा काम चलेगा। ठीक है, दिखाता हूं मैं तुमको। मान लो ये क्वेश्चन लिखा, लाइक एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो। स्टार्ट करते हैं पहले वाले स्टेप से। क्या बताया था मैंने? सबसे पहले ब्रैकेट को जीरो के बराबर, तो इसे जीरो के बराबर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? चार। इसे जीरो के बराबर करेंगे, पांच। दोनों ब्रैकेट को जीरो के बराबर, फिर नंबर लाइन, नंबर लाइन में जो नंबर आएंगे उन्हीं को रखना है, छोटे से बड़ा। छोटा नंबर कौन है? चार। बड़ा नंबर कौन सा है? फाइव। इधर और इधर ये बिल्कुल फिक्स होता है। दो दो को जोड़ते हुए सर्कल, प्लस, इधर क्या होता है? प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ग्रेटर देन है, क्या बताया था? ग्रेटर देन का मतलब प्लस वाला आंसर, तो एक प्लस ये दिख रहा है, दूसरा प्लस ये दिख रहा है। और याद है ना ब्रैकेट के बारे में मैंने क्या बोला था, अगर ग्रेटर देन लगाए या फिर लेस देन लगाए, ब्रैकेट की टेंशन मत लो, ब्रैकेट कौन सा लगेंगे? यही वाले लगेंगे, इतना करना है बस। ठीक है, देखा पिछली बार समझने में टाइम लगा था, लेकिन अब की बार टाइम भी लगेगा। स्टेप याद कर लिए मैंने, क्या स्टेप था?
जीरो के बराबर कर दो, पहला ब्रैकेट जीरो किया, एक्स इक्वल्स टू फोर, दिख रहा है ना, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो चार आएगा, इसको करेंगे तो पांच आएगा, नंबर लाइन पे यहां पे प्लस माइनस प्लस लगा दिया, ग्रेटर देन है तो प्लस वाला आंसर, लेस देन होता तो माइनस वाला आंसर, काम खत्म बस। और जब तक ये लगा तब तक ब्रैकेट ये लगाइए, ठीक है। अब देखो जल्दी जल्दी तुमसे क्वेश्चन लगेंगे, और मैंने तुमसे पहले ही बोला है कि जरूरी नहीं है कि हम लोगों के पास दो ही ब्रैकेट हो, मान लो तीन ब्रैकेट, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, सपोज लेस देन ले लेते हैं आपकी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तरीका सीख गया तो सारे काम हो गए। सबसे पहला स्टेप जीरो के बराबर करेंगे, तो देखो इसको जीरो के बराबर करोगे तो ये इधर जाएगा, क्या जाएगा अपने पास, माइनस वन, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसको जीरो के बराबर करेंगे तो कितना जाएगा, टू, और इसको करेंगे तो थ्री। नंबर लाइन सबसे पहले माइनस वाला आता है, फिर कौन सा आएगा, टू आएगा, फिर कौन सा आएगा, थ्री आएगा, ठीक है, क्लियर है ना। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर दो दो को ज्वाइंट करते हुए सर्कल, बिल्कुल तरीका सेम है। फिर यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस, तरीका बिल्कुल सेम है। लास्ट वाला कौन सा होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या सिखाया था मैंने, लेस देन, लेस देन का मतलब क्या था याद है ना, बिल्कुल पहली वाली स्लाइड पर देखो मैंने बताया, ये देखो लेस देन का मतलब क्या है, माइनस वाला, मतलब अब की बार आंसर कौन सा है हमारे पास जिसमें क्या लगा होगा, माइनस। तो देख लेते माइनस कहां लगा है, एक यहां लगा है, एक यहां लगा है, तो ये दोनों आंसर हो गए। मीनिंग मैं सबके बाद में सिखाऊंगा, ठीक है, कि आखिर ये मीनिंग होते क्या है, क्योंकि देखो मीनिंग में थ्योरी आएगी, ठीक है, और थ्योरी में थोड़ा सा हम लोगों को क्या लगता है, इंटरेस्ट कम आता है, ठीक है, क्योंकि मैथ में जितने क्वेश्चंस सीख सकते हो उतना थ्योरी से नहीं सीखते। थ्योरी में क्या हो जाता है, नींद आने लगती है बैठे बैठे कि सर ये क्या बोल रहे हो, तो मीनिंग बात की बात है। अभी क्या सीखा मैंने, एक तरीका। अब देखो तीन ब्रैकेट थे तो भी तुम सीख गए, तीन क्या तुम चार भी लगा लो तो भी सीख जाओगे, ठीक है, चार लगा लेते क्या फर्क पड़ता है मेरे को, और जरूरी नहीं कि ऊपर ही हो, ऐसे भी लिखो फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन कैसा भी तुम लिख लो। मान लो ये लिखा अपने पास, ग्रेटर देन लगा लेते, ठीक है, तरीका चेंज नहीं करना है, सबको जीरो के बराबर, पहला ब्रैकेट जीरो के बराबर किया तो वन आएगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू, इसको करेंगे थ्री, इसको करेंगे चार। सबसे पहले क्या आता है, वन, फिर क्या आता है, टू, फिर क्या आता है, थ्री, फिर क्या आता है, फोर, और यहां पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यही सिखाया था मैंने, पहले सारे ब्रैकेट जीरो के बराबर, नंबर लाइन पे लगा दो छोटे से बड़ा, फिर क्या बोला था मैंने, सर्कल, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन, चार, पांच, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या लगा है, ग्रेटर देन, प्लस वाला आंसर हो गया, एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर, माइनस इनफिनिटी से वन, टू से थ्री, फोर से इन्फिनिटी, हो गया तीन आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। और सारे ब्रैकेट को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, इसका। अब अगर यहां पे लेस देन लगा होता तो ये वाले आंसर होते, अगर लेस देन लगा होता तो कौन सा आंसर हो जाता अपने सामने, एक ये वाला हो जाता, एक ये वाला हो जाता, ठीक है। तो देखो एक छोटे से ट्रिक से चार लाइनें याद करो, पूरी इनइक्वलिटी एक बार में सॉल्व हो गई, ठीक है। ब्रैकेट का थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, लेकिन सारी चीजें तुमसे इससे सॉल्व होगी, ठीक है। बस फर्क किसका पड़ता है, ब्रैकेट का। जैसे मैंने तुम्हें कितने टाइप के ब्रैकेट सिखाए थे, चार टाइप के, ठीक है। मैंने अभी यूज कितने टाइप का करवाया तुमसे, केवल एक टाइप का। तो चार टाइप के ब्रैकेट कैसे कैसे यूज होते हैं वो हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखते रहेंगे, ठीक है, धीरे धीरे इसको सीखते रहेंगे। लेकिन आज क्या सीख गया कि इनइक्वलिटी को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और ये मैंने पहले बताया कि बहुत जगह यूज होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से याद रखना, ठीक है, कई जगह पे लगता है ये चीज, ठीक। स्टेप मैं रिपीट कर दे रहा हूं फिर से ताकि तुम लोग याद कर लो, पहला जितने ब्रैकेट है जीरो के बराबर, दूसरा जितने नंबर आएंगे नंबर लाइन पर लगाना है छोटे से बड़ा, तीसरा ज्वाइन कर लेना सर्कल वर्कल तो बनी जाएगा, इधर वाला लास्ट वाले पे प्लस है, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके, ठीक है। फिर इसको देख लेना, अगर ग्रेटर देन लगाए तो प्लस वाला आंसर है, लेस देन लगाए माइनस वाला आंसर है, ठीक है। और ये सारे आंसर किसके निकल कर आए हैं, एक्स के, ये सारे आंसर किसके निकल के आए, एक्स के।
तो इसे कैसे लिखा जाता है, x belongs to, याद है ना, belongs to मैंने पिछली क्लास में तुम लोग को सिखाया था, तो ये क्या हो गया, x belongs to ये सारे नंबर। तो ये रहा इनइक्वालिटी के आंसर निकालने का तरीका। अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीका, शॉर्टकट भी होता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन का शॉर्टकट भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहां पे सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी के लिए इतना है, अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना।